देखिए सर, लेफ्ट आर्म स्पिन आई गेस वर्ल्ड में मशहूर है इसलिए क्योंकि एक तो हमारा बॉल राइट ही से बाहर घूमता है, तो वो एक चैलेंज रहती है। और इंडिया की कंडीशंस और मोस्ट एशियन कंडीशंस में ऐसा है कि टर्न मिलता है आपको, तो उसमें क्या है कि आप वो टर्न का यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जो अच्छे स्पिनर है उनको पता है कि बॉल को कब टर्न करना है, कौन सी पेस से टर्न करना है, कभी सीधा डालना है। तो वो क्या बैट्समैन के लिए अगर आप अच्छे कंट्रोल से डाल रहे हो, अच्छे पेस से डाल रहे हो, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। अभी लेग स्पिन शायद इसलिए इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंडिया की कंडीशंस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप एक जगह पे बॉल नहीं डाल सकते हो कंसिस्टेंटली और आपके पास उतना कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, तो फिर क्या है कि आपके बैट्समैन जो इतने ज़बरदस्त है कि आप मिस करोगे तो वो बाउंड्री जाएगी या छक्का जाएगा, तो उसमें फिर आपको फिर प्रेशर आता है। तो आई गेस लेफ्ट आर्म स्पिन में कंट्रोल भी है और बॉल बाहर घूम रहा है, तो वो फायदे होता है। हाँ सर, अभी मुंबई की पिच का तो जो आई गेस मेरी स्किल सेट है वो मेरे को सूट करती है, और मैं लास्ट टाइम भी सक्सेसफुल रहा, तो और लास्ट टाइम काफ़ी ओवर भी डाली, तो उसमें मेरे को थोड़ा आइडिया मिल गया कि ये विकेट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से फिर बॉलिंग डाली थी। तो आई गेस वो मुझे हेल्प किया ये गेम में, खास करके विकेट में टर्न था और पेस थी, तो वो स्पेशल रहा मेरे लिए। और मुंबई मुंबई है यार, जब भी आता हूँ घर का फील है, घर घर के लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो वो भी थोड़ा हेल्प करता है, थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, थोड़ा होमली फील करते हैं, तो वो ईजी रहता है फिर गेम खेलना भी।